लंच मैं खाने का एक डब्बा हूँ. मेरा नाम लंच बॉक्स है. पहले मुझे लकड़ी और लोहे से बनाया जाता था. अब आज मुझे प्लास्टिक से बनाया जाता है. आज से तकरीबन एक साल पहले मैं एक कारखाने में बना था, जहाँ मेरे इर्द गिर्द नीचे ऊपर बहुत से लंच बॉक्स पड़े हुए थे. एक लंच बॉक्स मेरे नीचे चिल्ला रहा था, खुदा 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 के लिए मुझे निकालो यहाँ से. मेरे साथ एक लंच बॉक्स था, वो हंस हंस कर कह रहा था, देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरे ऊपर रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं. और मैं उसको देखने के बाद मैंने अपने आप को देखा और कहा कि मेरे ऊपर भी छोटे छोटे कार्टून बने हुए हैं. एक दिन हमें शॉपर में बंद कर दिया गया और एक मार्केट में भेजा गया. उधर हमें रखा गया और शॉपर में हमारा दम घुट रहा था और अंधेरा भी था और हमारा सांस रुक रहा था. हम लोग नहीं जानते थे कि लोग हमें बार बार निकाल के क्यों अंदर वापस रख रहे हैं. एक दिन एक बच्चा आया, उसने मुझे पसंद कर लिया. उसने कहा मैं यही वाला लंच बॉक्स लूँगा. वो लेकर घर चला गया. वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे नहलाता, टिश्यू रखता, खाना बना के स्कूल ले जाता. एक दिन उसकी अम्मी ने केक बना कर स्कूल भेजे थे. उसने सारे बच्चों को कहा मेरे साथ केक खाओ. वो सारे बच्चे आ गए केक खाने. बच्चे को किसी ने आवाज़ दी तो वो बाहर चला गया. तो उन सब ने मुझे उठा के खेलना शुरू कर दिया और दीवार के साथ टक्कर हुई मेरी और लग रहा था कि मेरा सर ही टूट गया. फिर जब वो बच्चा वापस आया और चलाने लगा मेरा लंच बॉक्स, मुझे वापस करो. जब वो आया तो मैं खिड़की से बाहर गिर चुका था. एक बच्चे ने मुझे लात मारी और मैं पौधों में गिर पड़ा. बच्चे ने मुझे देखा, साफ़ किया, उठाया, साफ़ किया और घर ले गया. उसकी अम्मी ने कहा इसको कचरे में फेंक दो, ये पुराना हो गया है, मैं तुम्हें नया लेकर दे दूँगी. जब वो उसे लेकर गया, उसने मुझे अगले दिन ही कूड़े में फेंक दिया. मेरे साथ एक बोतल पड़ी हुई थी. वो कह रही थी मेरे ऊपर से उठो भाई, मुझे दर्द हो रहा है. उसने मुझे दूसरी बोतल की तरफ उठाकर फेंक दिया. दूसरी बोतल को आगे गुस्सा चढ़ा हुआ था. मैंने उससे कहा कि ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं. वो आगे से कहता है कि मुझे उसको आगे गुस्सा चढ़ा था. आगे से कहता है मुझे क्या पता, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें बता ना देता. फिर हमें उन सब ने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया और हम सब वैसे ही कबाड़ में पड़े हुए हैं. और आज तक मैं सोचता जा रहा हूँ कि मुझे कोई फिर से कारखाने ले जाए और मैं फिर से गुलदान बन जाऊँ और मेरे अंदर सब रंग बिरंगे फूल डालें.